हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम होनासा कंज्यूमर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो होनासा कंज्यूमर है, इसका जो दूसरा नाम है यानी कि जो मामाअर्थ करके जो कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी हमें ये नजर आती है। तो एक तरीके से अगर आपको होनासा कंज्यूमर समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ जाइएगा कि मामाअर्थ का आईपीओ हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 अक्टूबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1701 करोड़ के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 365 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे फ्रेश इशू नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 1336 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल नजर आता है, जहाँ पे मेनली अगर हम देखेंगे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और खास करके जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 324 के कट ऑफ पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है और एक लॉट के ना हमें यहाँ पे 46 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 14,800-900 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10% के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो 170 करोड़ के लगभग का ही रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अगर हम एप्लीकेशन वाइज अगर हम बात करेंगे हार्डली 1,10,000 एप्लीकेशन हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर नजर आती है। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम अभी कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 10,500 करोड़ के लगभग का वैल्यूएशन हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कौन यहाँ पे हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे पैसे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े जो इनके जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बनाने वाले, क्योंकि अगर ये आईपीओ एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक यहाँ पे एक ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग ये कंपनी में पैसा डाला था और अभी ये वैल्यूएशन पे लगभग उनका 290 करोड़ रुपए उनके ये पैसे हो जाएंगे, लगभग 4-5 साल में उनको यहाँ पे 50 गुना का रिटर्न उनको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे नजर आती है और अभी अगर हम देखेंगे मार्केट काफ़ी अच्छा हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया है, तो ऐसे मार्केट में इतने महंगे वैल्यूएशन पर अगर कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म माइंड से अगर मैं बात करूँगा तो जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होगा यानी कि जितना अपना निफ्टी बढ़ेगा तो उतना ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी को यहाँ पे कोई ज्यादा नंबर से ये कंपनी हमें बीट करती हुई नजर आएगी, यानी कि अगर निफ्टी 12-13% से हमें बढ़ता हुआ नजर आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी हमें 25-30% से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए जब इतना महंगा वैल्यूएशन आपका जब हो जाता है तो आने वाले 2-3 साल की जो कंपनी की कमाई होती है वो नॉर्मली अभी के वैल्यूएशन में कंपनी के फैक्ट्री हमें यहाँ पे नजर आती है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से नहीं बची है। और एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आईपीओ में फिर भी हमें थोड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, उसके पीछे का रीजन ये रहेगा क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो अभी इसमें लगभग है ना 45% के लगभग का हमें यहाँ पे एंकर पोर्शन नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 800 करोड़ के लगभग के जो शेयर्स है वो यहाँ पे एंकर के पास में जाएंगे, यानी कि जब लिस्टिंग होगी तो 800 करोड़ के शेयर वहाँ पे ट्रेडेबल नहीं होंगे, तो हार्डली अगर आप देखोगे तो उसके बाद में 900 करोड़ के शेयर ही बचेंगे। तो अगर 900 करोड़ में भी अगर आप देखोगे 170 करोड़ ही रिटेल के पास में हमें यहाँ पे नजर आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन फिर भी यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से रिस्क टू रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो यहाँ पे अवॉइड ही करूंगा। और इसके इसी के साथ में एक शैलो वर्ल्ड का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत ये रहेगी कि पे थोड़ा आईपीओ का साइज काफी बड़ा है और रिटेल कोटा का साइज काफी हमें बड़ा नजर आता है, तो उसे जब रिटेल के पास में ज्यादा शेयर्स होते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों के अंदर यहाँ पे लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत रहेगी, लेकिन सेलो वर्ल्ड मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और ये मेरे ख्याल से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना अच्छा यहाँ पे नजर नहीं आता है, भले बढ़ेगा भी लेकिन मार्केट में इसके अलावा काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे नजर आती है, तो इसलिए मैं तो यहाँ पे अवॉइड करने का यहाँ पे सजेशन यहाँ पे दूंगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि होनासा कंज्यूमर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।